Good morning, all of you. Next article, Maxima and Minima. Local Maxima. ये मैक्सिमा क्या होता है भाई साहब? लोकल मैक्सिमा पहले, ठीक है? तो तरह के मैक्सिमा होंगे, एक तो लोकल मैक्सिमा और एक ग्लोबल मैक्सिमा. ग्लोबल मैक्सिमा कभी कभी एब्सोल्यूट मैक्सिमा में बोलते हैं, जो चीज हम पहले पढ़ चुके हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू के रूप में, तब भी लिखाया था, याद नहीं आ रहा किसी को. ग्रेटेस्ट वैल्यू किसी भी इंटरवल फंक्शन की मैक्स वैल्यू जो होगी, दैट इज ग्लोबल मैक्सिमा. ग्लोबल मतलब पूरे शहर में सबसे ऊपर. लोकल तो नाम खुद ही चीख चीख कह रहा है, अड़ोस पड़ोस की चिंता है बस, और किसी से कोई मतलब नहीं है भाई साहब. आजू बाजू झांकते हैं, अगर ऊपर है तो मैक्सिमा, नीचे है तो मिनिमा. सिंपल. लोकल मैक्सिमा अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेट टू हैव, एफ ऑफ एक्स सेट टू हैव लोकल मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू ए. किसी पॉइंट एट एक्स इक्वल्स टू ए पे कोई फंक्शन लोकल मैक्सिमा रखता है, कहलाता है अगर ए वाली वैल्यू उसके दोनों पड़ोसी, अगल पड़ोसी इज ए माइनस एच, बगल पड़ोसी इज बी, ये बी कहां से आ गया भाई, ए प्लस एच. कभी भी अगर किसी पॉइंट पे ली जाने वाली वैल्यू उनकी दोनों तरफ, दोनों नेबर से बड़ा होना चाहिए. एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए माइनस एच से भी बड़ा हो और एफ ऑफ ए प्लस एच से भी बड़ा हो फॉर सम पॉजिटिव एच. एच तो वही है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वांटिटी. समझ रहे हैं? तो इस दिन ए पे क्या कहलाता है? मैक्सिमा कहलाता है. लोकल मिनी मा, मिनीमा मैक्सिमा. लोकल मिनिमा, सॉरी नहीं लगा मैंने, ये इनइक्वालिटी पलटनी चाहिए क्या? तो पलटनी चाहिए तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा ना, केल सिप्पी. अरे राम जी महाराज, इट्स मैक्सिमा. अपने दोनों पड़ोसियों के ऊपर बैठा आदमी, ऊपर मतलब कब बैठेगा? जब दोनों से ज्यादा होगा. अलग अलग लिखूं क्या दो बार में? मैंने तो मेहनत बचाई, एक बार में लिख दी यार. लोकल मिनिमा, ये लाइन तो सेम है. फंक्शन एफ एक्स सेट टू हैव लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू ए, नहीं बी. अलग पॉइंट ले लेते हैं ना, फिर सोचेंगे सारे सारी चीजें एक ही पॉइंट पे आती. तुम लोग कुछ भी सोच सकते हो. एट एक्स इक्वल्स टू बी, एक्स इक्वल्स टू बी पे कोई फंक्शन लोकल मिनिमा रखेगा यदि वो अपने दोनों पड़ोसियों से इस बार नीचे होगा. बी माइनस एच, बी प्लस एच, यानी कि एफ ऑफ बी की वैल्यू एफ ऑफ बी प्लस एच से भी कम और एफ ऑफ बी माइनस एच से भी कम हो. दोनों पड़ोसियों से नीचे पाया जाने वाला पॉइंट लोकल मिनिमा का पॉइंट है, दोनों पड़ोसियों के ऊपर पाया जाने वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट. नोट फर्स्ट, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा
occurs alternatively. Occurs alternatively. ये मान लीजिए कोई इंटरवल है ए से बी, ये जो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स कौन है, कौन है क्रिटिकल पॉइंट्स सी वन सी टू सी थ्री सी फोर। दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, this is a point of local minima, this is a point of maxima again, this is a point of minima again. Local maxima, local minima hamesha alternative aayenge agar function continuous hai. Aa rahe na bhai? Obviously वैसे maxima minima tab create hote hain jab graph apna nature change karta hai. तो नेचर अगर चेंज कर रहा है तो डिक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा तभी मैक्सिमा मिनिमा क्रिएट होंगे। ये लॉजिकल बातें हैं, इनको रटने का कुछ भी नहीं है। मैक्सिमा या मिनिमा तभी जनरेट होते हैं जब ग्राफ टर्न करता है किसी भी तरीके से, या तो चौंचिकली या स्मूथ तरीके से, किसी भी तरीके से टर्न करे। टर्न तभी करेगा जब नेचर चेंज होगा, और नेचर कभी भी इंक्रीजिंग का इंक्रीजिंग तो आ नहीं सकता, उस केस में मैक्सिमा मिनिमा नहीं बनते। सही है? तो नहीं होगा भाई मैक्सिमा यार। हाँ जी, सेकंड नोट, ए से बी चिक सी वन मैक्सिमा का पॉइंट, मिनिमा का पॉइंट, मैक्सिमा का पॉइंट, सी टू मिनिमा, नो कमेंट्स। क्यों? पॉइंट डोमेन में नहीं भाई, हमें लेना देना ही नहीं उस पॉइंट से, वो पॉइंट डोमेन में है ही नहीं। ठीक है, दिस इज सी थ्री, वो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं था, क्रिटिकल पॉइंट डोमेन में होना जरूरी है भाई। दिस इज सी थ्री, ये किसका पॉइंट है? फिर से मिनिमा, तो मिनिमा के बाद फिर से मिनिमा आया। दिस इज सी फोर, दिस इज अगेन मिनिमा, तो मिनिमा के बाद लगातार मिनिमा आ रहे हैं। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो मैक्सिमा मिनिमा हमेशा ऑल्टरनेटिवली आते हैं। Assertion reason type question के लिए third, the term extremal or turning values are used for both
फॉर बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा. अगर कभी किसी क्वेश्चन में ये पूछा गया है फाइंड द एक्सट्रीमम्स ऑफ दिस कर्व, इसका मतलब ये है कि उस कर्व उस क्वेश्चन में मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में इंटरेस्ट जताया गया है, दोनों निकालने हैं. सही क्या? काटा पीटी करेंगे. पॉइंट्स, इनपुट में इंटरेस्ट है, आउटपुट में थोड़ी इंटरेस्ट है. इफ समवन आस्क्स मी फाइंड द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम, एक्स की वैल्यू बतानी भाई, है ना. एक्सट्रीम वैल्यूज पूछेगा तो अलग बात होती है. एक्सट्रीम वैल्यूज तो खैर ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा है. फोर्थ फोर्थ पॉइंट, मैक्सिमा ब्रैकेट मिनिमा, मैक्सिमा ब्रैकेट मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन आर ऑल्सो नोन एज लोकल स्लैश रिलेटिव मैक्सिमा ब्रैकेट मिनिमा. पहले ही बता चुका हूँ, फिर से बोल देता हूँ. ब्रैकेट वाली को पढ़ने का तरीका या तो सिर्फ ब्रैकेट पढ़ो या सिर्फ अनब्रैकेट पढ़ो. ब्रैकेट वाला पढ़ोगे तो दूसरा स्टेटमेंट है, अनब्रैकेट वाला पहला स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है ना एक साथ. सिर्फ मैक्सिमा या मिनिमा लिखा हो तो भी उसका मतलब लोकल मैक्सिमा और मिनिमा से ही होता है. ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा नॉर्मली नहीं पूछे जाते, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू पूछी जाती है जो कि रेंज के रूप में पूछ ली जाती है. रेंज तो निकलती है ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू से. अगर कभी मैक्सिमा मिनिमा कोई पूछ रहा है तो इसका इसका मतलब उसका इंटरेस्ट जो है वो लोकल मैक्सिमा या रिलेटिव मैक्सिमा भी बोल सकते हैं. रिलेटिव क्यों? वही अड़ोस पड़ोस से ही तो मतलब है. सही है. फिफ्थ इंपॉर्टेंट, फिफ्थ लोकल मिनिमम वैल्यू. इस समय वाई में इंटरेस्ट है. लोकल मिनिमम वैल्यू मे बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू. ऑब्वियस भी है वैसे. लोकल मिनिमम वैल्यू मे बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमम वैल्यू. दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू विच इज ग्रेटर देन दिस लोकल मैक्सिमम वैल्यू. क्या हुआ? ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना भाई, जो कि लोकल मिनिमम वैल्यू से कम है. कोई टेंशन? चलिए मुद्दे की बात. ऐसा कोई जरूरी 10 भी हो सकते हैं. हाँ ठीक, कंटिन्यूस फंक्शन है.